फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंस डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैब 24 ऐप। और फ्रेंड्स, अगर आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप बहुत अच्छे कोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन, साथ में 300 ज़्यादा वीडियोज़ आपके पास में अवेलेबल है जहाँ पे आप पेन ड्राइव के थ्रू, एसडी कार्ड के थ्रू ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कॉल करना है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप 7023336 75 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी जान सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, आपके पास इंग्लिश की अगर आपको प्रॉब्लम है तो कंप्लीट सोल्यूशन आपके पास में अवेलेबल है जहाँ पर सिर्फ एक न्यूज़पेपर के भी कम कॉस्ट है, 999 के अंदर आप कंप्लीट इंग्लिश का सोल्यूशन पा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज का जो अपना पहला वर्ड है जो कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वो है फ्रॉस्टियर। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फ्रॉस्टी, डिवॉइड ऑफ वार्मथ एंड कॉर्डियलिटी, एक्सप्रेसिव ऑफ अनफ्रेंडलीनेस और डिसडेन। तो फ्रॉस्टियर का मतलब क्या है कि कोई अगर बहुत ही ज़्यादा रूखा बिहेवियर करता है, अनफ्रेंडलीनेस दिखाता है, उसको क्या कहते हैं? फ्रॉस्टियर कहते हैं। सिनोनिम क्या है? फ्रिजिड या फिर ग्लेशियल। और एंटोनिम्स क्या है? एमिकेबल, फ्रेंडली, रेस्पॉन्सिव। ठीक है, और एग्जाम्पल, राहुल इज फ्रॉस्टी टूवर्ड्स हिज फ्रेंड, यानी कि राहुल का जो नेचर है वो बहुत ही अनफ्रेंडली है अपने दोस्तों के प्रति। रिलेटेड वर्ड क्या है? फ्रॉस्टली, फ्रॉस्टीनेस और फ्रॉस्टलेस। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड की बात की जाए तो एमिकेबल इंपॉर्टेंट है। एमिकेबल का मतलब होता है मित्रता, जो अच्छे बिहेवियर होता है उसको कहते हैं। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है। ऐसा फ्रॉस्ट जैसा फ्रॉस्टियर नेचर हमारे दोस्तों का नहीं है। तो देखिए, एक ये पर्सन है जो कि क्या बोल रहे हैं कि ऐसा फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है? जमा हुआ, बहुत ही रूखा। ओके, तो ऐसा फ्रॉस्टियर नेचर हमारे दोस्तों का नहीं है। कैसा? फ्रॉस्ट जैसा, फ्रॉस्ट यानी कि जमा हुआ। ओके, तो फ्रॉस्ट जैसा, फ्रॉस्टियर नेचर हमारे दोस्तों का नहीं है। तो यानी कि फ्रॉस्टियर वर्ड को हम फ्रॉस्ट से रिलेट कर रहे हैं और उसे याद कर रहे हैं। फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो कि जमी हुई होती है। ओके, कोई चीज़ जमी हुई होती है उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। तो कोई अगर किसी का नेचर ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा रूखा है, ओके, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, अनफ्रेंडली है, बिल्कुल जमा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? फ्रॉस्टियर कहेंगे। तो उसका नेचर कैसा होगा? फ्रॉस्ट जैसा होगा। तो एक पर्सन क्या बोल रहे हैं कि ऐसा फ्रॉस्ट जैसा फ्रॉस्टियर नेचर हमारे दोस्तों का नहीं है, यानी कि ऐसा रूखा नेचर। सेकंड है एमिनेंस, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है हाई स्टेटस, इंपॉर्टेंस, ओइंग टू मार्क सुपीरियरिटी। तो जो किसी की प्रतिष्ठा होती है, जो किसी का डोमिनेंस होता है, एक जो बहुत फेमस पर्सन होता है, हाई स्टेटस होता है, उसको कहते हैं एमिनेंस। ओके, डिस्टिंक्शन, प्रीमिनेंस, नोट। और आइटम्स क्या है? लो स्टेटस, अनइम्पॉर्टेंट, ऑब्स्क्यूरिटी। और एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉम मोडेस्ट रूट्स हिज राइज टू एमिनेंस वॉज ऑल द मोर रिमार्केबल। ओके, यानी कि मोडेस्ट रूट से जब उसके राइज हुई तो वो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल थी। रिलेटेड वर्ड क्या है? एमिनेंस। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है। एमिनम के एमिनेंस बहुत बड़ा है म्यूजिक वर्ल्ड में। तो एमिनम के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बड़े रैपर है दुनिया के, वन ऑफ द बेस्ट जो म्यूजिक पर्सन है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उनमें से एक है। ओके, तो एमिनम के जो एमिनेंस है ना वो बहुत बड़ा, यानी कि जो उनकी प्रतिष्ठा है वो बहुत बड़ी है, किसके अंदर? म्यूजिक वर्ल्ड में, तो एटलीस्ट। ओके, तो इस तरीके से एमिनम वर्ड को हम एमिनेंस से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। उनका जो नाम एमिनम रखा गया है वो भी एमिनेंस से ही रखा गया है। ओके, एमिनेंस का मतलब होता है जिसकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा होती है, स्टेटस होता है। ओके, जो बहुत एक फेमस पर्सन होता है उसको एमिनेंस कहते हैं। तो एमिनम और एमिनेंस दोनों बहुत ही कॉमन से वर्ड है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है विगर, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है जोश, फोर्सफुल एक्जर्शन, एनर्जेटिक एक्टिविटी। तो कोई भी अगर आप एनर्जेटिक एक्टिविटी करते हो, बहुत एनर्जेटिक हो, तो आपको क्या कहेंगे कि आपके अंदर बहुत विगर है। ठीक है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो। फोर्स, स्ट्रेंथ और साथ में ड्राइव, ये इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम्स क्या होंगे? इनकॉम्पिटेंस, इम्पोटेंसी या फिर क्लम्सीनेस। अब यहाँ पे इम्पोटेंसी और क्लम्सीनेस दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। और एग्जांपल क्या है? द बॉय वर्क्स विद अ विगर, यानी जो बॉय है वो कैसे काम करता है? बड़ा एनर्जेटिकली काम करता है। रिलेटेड वर्ड क्या है? ओके, विगर ही है जिसका मतलब है इनफोर्स और ऑपरेशन। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, ही सेज देयर इज नो डील बट सिंस ही हैज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विगर ही विल कंटिन्यू एज यूजुअल। ओके, उसने कहा कि देख, यहाँ पे कोई भी डील नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें उसने बड़े ही जोश से उसको कंटिन्यू किया। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है। विगर को वीरेंद्र से रिलेट करके याद कर सकते हैं। आपको पता ही है मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने काफ़ी इनिंग्स खेली है, जिसके अंदर काफ़ी जोश इन्होंने दिखाया है दूसरी टीम के अगेंस्ट। तो वीरेंद्र को हम किससे? विगर से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि वीरेंद्र सहवाग में बहुत विगर था। ओके, वीरेंद्र सहवाग में बहुत विगर था, विगर यानी कि बहुत ज़्यादा जोश था। ओके, तो इस तरीके से हम वीरेंद्र को विगर से लेट करके याद कर सकते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, अभी ये कमेंटेटर बन गए हैं। और वीरेंद्र और विगर, उम्मीद है अगर आपके किसी दोस्तों का नाम भी वीरेंद्र है तो वहाँ से भी आप विगर को लेट करके इस वोकैब को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट है अनसेवरी, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है डिसएग्रीएबल एंड अनप्लीजेंट बिकॉज मॉरली डिसरेप्यूटेबल। तो कोई भी चीज़ जिससे आप नफरत करते हैं, एग्री नहीं करते हैं, जो अनप्लीजेंट होती है, उसको अनसेवरी कहते हैं। ओके, सनन देखिए, ऑर्डिनिफेरियस, ऑफेंसिव, अनसेवरी और एग्रीम्स क्या, एग्रीएबल या फिर गुड। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, एनी इज लिविंग इन एन ऑर्फनेज रन बाय मिस हैनिगिन, मीन स्पिरिटेड अनसेवरी कैरेक्टर। यानी जो एनी है वो एक ऑर्फनेज में रहती है जो कि एक मिस चलाती है, वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट कैरेक्टर की है जिसको देख के बहुत डर लगता है। रिलेटेड वर्ड क्या है, अनसेवरली या फिर अनसेवरीनेस। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, ठीक है, जिसने बुरा टाइम में सेव नहीं किया पेरेंट्स को वो कैसा हुआ, अनसेवरी हुआ। ओके, आपने देखा होगा सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पेरेंट्स को बुरे टाइम में सेव नहीं करते हैं, तो वो कैसे लोग होते हैं, वो बहुत ही अनसेवरी लोग होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, अनप्लीजेंट डिसएग्रीएबल पर्सन जो कि मॉरली डिसरप्टेबल होते हैं। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा घृणित प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनको कोई पसंद नहीं करता। ओके, तो जो जिन्होंने बुरे टाइम में अपने पेरेंट्स को सेव नहीं किया वो कैसे होते हैं, अनसेवरी होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस सेव वर्ड को, आपको पता ही सेव का मतलब, तो सेवरी से अनसेवरी से लिख करके इसे याद कर सकते हैं, ठीक है, कि जिन्होंने बुरे टाइम में सेव नहीं किया पेरेंट्स को वो कैसे होते हैं, अनसेवरी होते हैं, यानी कि बहुत ही बुरे होते हैं। नेक्स्ट है रिटोरिक। रिटोरिक क्या है, एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, हाई फ्लोन स्टाइल, एक्सेसिव यूज ऑफ वर्बल ऑर्नामेंटेशन, द अनड्यू यूज ऑफ एग्जेजरेशन और डिस्प्ले यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली टू प्लीज और पर्सुएड। यानी कि आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पर जो मिनिस्टर लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बोलते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं हम, रिटोरिक कह सकते हैं। रिटोरिक सिनोनिम क्या होंगे इसके, ग्रैंडियोसिटी और मैग्निलोक्वेंस, ऑर्नेटनेस, ओके, ग्रैंडिलोक्वेंस, रैंट स्टाइल। अब यहाँ पे ग्रैंडियोसिटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड दीज टू वर्ड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स आसान से हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, पीपल आर नाउ फेड अप विद द एम्प्टी रिटोरिक ऑफ पॉलिटिशियंस। यानी लोग हैं अब वो फेड अप हो चुके हैं झूठे वादों से, किसके, पॉलिटिशियन के। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, इलेक्शन में जीतने पर एक एक हीटर दूंगा, ये बात रेटरिक है। तो हीटर और रेटरिक इन दोनों को हम रिलेट करके इसे याद कर रहे हैं। तो एक पॉलिटिशियन है, उसने क्या कहा है, जैसे कि बड़े बड़े वादे करते हैं कि सबके घर में बिजली आएगी, सबके घर में फ्रिज होगा, एसी होगा, हम सबको टीवी बांटेंगे, साइकिल बांटेंगे या लैपटॉप देंगे। ओके, ऐसे बहुत सारे रेटरिक दिए जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे। तो एक नेता ने क्या कहा कि इलेक्शन में जीतने पे एक एक हीटर देंगे, ये बात कैसी है, रेटरिक है, यानी कि ये बात बड़ी ही झूठी है। ओके, तो हीटर को रेटरिक से रिलेट करके हम इसे याद कर सकते हैं, हीटर रेटरिक। ओके, और उम्मीद है इस तरीके से आप इसे हमेशा याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है मेलोड्रामा, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, अ सेंसेशनल ड्रामेटिक पीस विद एग्जेजरेटेड कैरेक्टर एंड एक्साइटिंग इवेंट इंटेंडेड टू अपील टू द इमोशंस। तो जो बहुत इमोशनल ड्रामा जो एक बनता है, जो क्रिएट होता है, उसको मेलोड्रामा कहते हैं। कॉमेडी सिनोनिम क्या है इसका, और एंटोनिम्स क्या है, ट्रेजेडी। अब देखिए एग्जांपल, आई ऑब्जेक्टेड स्ट्रांगली टू बीइंग ट्रीटेड एज द विलन ऑफ मेलोड्रामा। यानी कि मैंने ऑब्जेक्ट किया जब मुझे ट्रीट किया गया विलन, किसका, मेलोड्रामा का। रिलेटेड वर्ड क्या, मेलोड्रामेटिस्ट और मिनी मेलोड्रामा। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, इमोशनल ड्रामा मेलोड्रामा होता है। तो देखिए अगर जो इमोशनल ड्रामा हुआ तो मेलोड्रामा होगा। आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसे आर्ट कई बार होते हैं जिसके अंदर इमोशनल ड्रामा के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमेडी इन्वॉल्व कर दी जाती है। ओके, कॉमेडी एलिमेंट्स कपिल में भी देखना होगा कि आपने कई बार इमोशन डाल के भी कॉमेडी क्रिएट करी जाती है। तो जो ये ड्रामा होते हैं, जो इमोशनल कॉमेडी ड्रामा, इसको क्या कहते हैं, वेल, मेलोड्रामा कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं कि इमोशनल ड्रामा मेलोड्रामा होता है। तो इमोशनल ड्रामा बोल लीजिए, कॉमेडी ड्रामा बोल लीजिए, वो कैसा होता है, मेलोड्रामा होता है। नेक्स्ट है टायरेट, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब है स्पीच ऑफ वायलेंट डिनंसिएशन। तो निंदात्मक बातें या निंदात्मक प्रबंध। तो डिनाउंसमेंट हो गया, डिक्लेमेशन हो गया, डिनंसिएशन हो गया। ओके, इसको क्या कहते हैं, टायरेट कहते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, उसको बुराई कर रहे हो, डिनाउंस कर रहे हो, उसको टायरेट कहते हैं। तो एंटोनिम्स क्या होंगे, कम्प्लीमेंट या फिर प्रेज। और एग्जांपल, द ओपोजिशन पार्टी गेव ए लॉन्ग टायरेट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यानी जो ओपोजिशन पार्टी है उसने एक लॉन्ग टायरेट दिया गवर्नमेंट के खिलाफ। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, रोड पे तेज राइड करने वालों को सब टायरेट करते हैं। तो रोड पे तेज राइड करने वालों को सब कैसे करते हैं, टायरेट करते हैं। ओके, यानी कि सब इसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि जो रोड के ऊपर तेज बाइक चलाएगा, देखिए तेज बाइक चलाने के लिए ट्रैक्स बनाए हुए हैं। ओके, आपको रेसिंग में पार्टिसिपेट करिए, वहाँ पे आप तेज चलाइए जितना चला सकते हैं, लेकिन जो रोड पे तेज चलाते हैं ना, ये सही नहीं है, इससे खुद को और दूसरे को, दोनों को क्या होता है, जान का खतरा होता है। तो ऐसे लोगों को लोग क्या करते हैं, टायरेट करते हैं। जो तेज रोड पे चलाते हैं लोग उनको टायरेट करते हैं, यानी कि उनको क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, अगर आप भी बाइक चला रहे हो और आपके पास से कोई 100 की स्पीड से निकलता है तो आप भी उसको टायरेट करते हैं।
ठीक है। तो डाइट को हम टैरेट से लेट करके इसे हमेशा याद कर सकते हैं और उम्मीद है आप इसे यूज भी करेंगे डेली लाइफ में। नेक्स्ट है ससेप्टेबल, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, यील्डिंग रिली टू और बीइंग और केपेबल ऑफ इजिली इंप्रेस्ड इमोशनली, तो आसानी से प्रभावित होने वाला, किसी भी चीज़ से जो आसानी से प्रभावित हो जाए उसको ससेप्टेबल कहते हैं। ओके, वल्नरेबल, इजी, प्रॉन, टेम्पटेबल, परसुएबल, ये इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम्स क्या है, इनवल्नरेबल, प्रोटेक्टेड, इनसेंसिटिव, इनससेप्टेबल और इनससेप्टेबल टेबिलिटी। और एग्जाम्पल, पूजा भट्ट एग्रीज दैट बींग द डॉटर ऑफ एन अल्कोहलिक मेक्स यू मोर ससेप्टेबल टू बी एन अल्कोहलिक, यानी पूजा भट्ट क्या करती है, एग्री करती है कि अगर आप किसी अल्कोहलिक की डॉटर हो तो आप भी अल्कोहलिक बन सकते हो, ये ज़्यादा प्रभावित करती है चीज़। और रिलेटेड वर्ड क्या है, ससेप्टेबलनेस और ससेप्टेबिलिटी। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, जो सब चीज़ों से इफेक्ट होने पे एबल हो वो ससेप्टेबल। तो देखिए जैसे कि ये बच्चा है और हर थोड़ी सी भी अगर कोल्ड टेम्परेचर डाउन होता है तो ये बीमार हो जाता है, तो कैसा हो गया, ये सब चीज़ों से इजिली इफेक्ट में आने का एबल है, तो कैसा हुआ, ससेप्टेबल हुआ। तो ससेप्टेबल का मतलब क्या है, जो आसानी से प्रभावित हो जाए, ठीक है। तो कोई ऐसा पर्सन जो कि सब चीज़ों से क्या हो जाए, इफेक्ट होने पे एबल हो, तो वो कैसा हुआ, ससेप्टेबल हुआ। नेक्स्ट है ओवरचर, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब है प्रस्ताव, अ टेंटेटिव सजेशन डिजाइन टू इलिसिट द रिएक्शन ऑफ अदर्स। तो अगर कोई किसी को कोई प्रस्ताव देता है तो उसको ओवरचर कहते हैं, एडवांस, प्रॉफर, प्रोपोजिशन, सजेशन। और एग्जांपल, शी रिजेक्टेड इज ओवरचर, यानी कि उसने उसके प्रस्ताव को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और लेट मिडिल वर्ड से इसका ओरिजिन है। अब इसके ट्रिक देखते हैं, ओवर द टेबल चढ़कर ओवरचर दिया शादी का। तो देखिए ये लड़का था, इसने थोड़ी देर पहले क्या किया, ओवर द टेबल चढ़ के क्या किया, शादी का ओवरचर दिया, यानी कि प्रस्ताव दिया, ठीक है। तो ओवर को हम क्या कर रहे हैं, ओवरचर से लेट कर रहे हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कि टेबल पे ओवर चढ़कर ओवर द टेबल आके ओवरचर देते हैं, यानी कि प्रस्ताव देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ओवर को हम ओवरचर से लेट करके इसे याद कर सकते हैं। ओवरचर का मतलब क्या है, प्रस्ताव देना। और आजकल जो लास्ट वर्ड है कंटूर, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब है रूपरेखा। तो एक जो किसी भी चीज़ के फ्यूचर का अगर आप प्रॉपर अरेंजमेंट जो करते हैं उसको हम कंटूर कहते हैं, शेप बनाना, फॉर्म, कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एग्जांपल, ही कुड बेयरली मेक आउट देयर कंटूर्स। और रिलेटेड वर्ड क्या है, रिकंटूर बनना। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है। अभी देखिए अगर कोई भी रोड बनानी है माउंटेन के ऊपर कुछ भी, तो आपको एक कंटूर बनाना पड़ेगा पहले। ओके, क्या बनाना पड़ेगा, उसकी एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। तो ये काम कौन करता है, सिविल इंजीनियर करता है। तो सिविल इंजीनियर टूर पर जाके कंटूर बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर अभी कोई हिमाचल में कोई कंटूर बनाना है, कोई रोड बनानी है माउंटेन में, तो क्या होगा, सिविल इंजीनियर को टूर पे जाके वहाँ पे कंटूर बनाना पड़ेगा। तो टूर और कंटूर, इस तरीके से हम इसको रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं हमेशा के लिए, ठीक है, कि सिविल इंजीनियर टूर पे जाके कंटूर बनाते हैं, यानी कि वहाँ पे एक रूपरेखा बनाते हैं। तो ये आज के 10 अपने वोकैब थे, उम्मीद है आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। और क्वेश्चन ऑफ द डे की बात की जाए तो यहाँ पे 20 का सही आंसर होगा, जो इस स्टेटमेंट में प्रॉपरली जो इंसर्ट होंगे वो इंडिफरेंस और कंटेम्प्ट होंगे। और आज का आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पावरफुली परसुएसिव, इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है, कमेंट करके इसका आंसर बताना है। साथ में मैच द कॉलम से आज हम देखते हैं कि हमने इन्हें कैसे याद किया है। उम्मीद है आप मेरे साथ साथ कोशिश करेंगे इनको रिकोगनाइज करने की कि किस तरीके से हमने इसे आज याद किया है। पहला वाला था फ्रॉस्टियर, तो मैंने फ्रॉस्ट से रिलेट किया था, आपको याद होगा। तो ये पर्सन बोल रहे थे कि मेरे फ्रॉस्ट जैसे फ्रॉस्टियर दोस्त नहीं है मेरे, यानी कि बहुत ज़्यादा रूखे नहीं है। एमिनेंस को हमने एमिनेम से रिलेट किया था, आपको याद हो तो, कि एमिनेम का एमिनेंस बहुत बड़ा है म्यूजिक वर्ल्ड में, यानी कि डोमिनेंस, या फिर उनकी जो है वो फेमस है। विगर, विगर को हमने वीरेंद्र सहवाग से रिलेट किया था। अनसेवरी, जो पेरेंट्स को सेव ना करें बुरे टाइम से वो अनसेवरी होते हैं, यानी कि बहुत बुरे होते हैं। रेटरिक को इलेक्शन से किया था कि एक एक हीटर मिलेगा, ये बात रेटरिक है, यानी कि झूठी है। मेलोड्रामा, ओके, मेलोड्रामा यानी कि इमोशनल ड्रामा, मेलोड्रामा होता है यानी कि कोई भी ड्रामा जिसमें इमोशंस हो। टायरेड, तेज़ राइड करोगे तो लोग आपको टायरेड करेंगे, यानी कि आपको क्रिटिसाइज करेंगे। ससेप्टेबल, ओके, जो अगर सब चीज़ों से अगर आप एबल हैं बीमार होने में तो कैसे हो, ससेप्टेबल हो, यानी कि बड़े ही आसानी से प्रभावित हो जाते हो। ओवरचर, ओवर द टेबल चढ़ के ओवरचर दिया, यानी कि प्रस्ताव दिया। और कंटूर, सिविल इंजीनियर टूर पर जाकर कंटूर बनाते हैं, यानी कि रूपरेखा बनाते हैं। तो इस तरीके से आज हमने इन सभी को याद किया। और ट्रिक बनाओ जाने में पैराडिग्म आपका वर्ड है, जिसकी आपको सही ट्रिक बना के आज मुझे भेजनी है। ओके, साथ में कल जो मैंने आपको वर्ड दिया था वो मैंने कोडल दिया था, जिसका मतलब होता है पैम्पर करना, किसी को अच्छे से उसको रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो तीन ट्रिक आई है बहुत अच्छी, जैसे अमित तिवारी जी की, मीनू जी की और सुमित सिंह जी की। अमित जी बोलते हैं कि मोदी से अच्छे थे अटल, पापा से अच्छा मम्मी करती है कोडल। तो अटल को कोडल से इन्होंने रिलेट किया है, कितनी अच्छी ट्रिक है। देखिए, मोदी से अच्छे थे अटल, पापा से अच्छे मम्मी करती है कोडल, यानी कि जो पैम्पर करना, किसी को प्यार करना, ठीक है।
और देखिए दूसरा मीनू जी का, अगर सारी कंट्रीज में कोडल हो तो कभी बैटल नहीं होगी, तो कोडल को उन्होंने बैटल से रिलेट किया है कि अगर सब में आपस में प्यार हो तो कभी भी बैटल नहीं होगी। कडल करके हम सब कोडल करते हैं, तो कडल करके हम सब कोडल करते हैं, ऐसा कहा है सुमित सिंह जी ने, तो कडल को उन्होंने कोडल से लेकर के इसे याद करवाया। ओके, और सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो कल दो अच्छे सेंटेंसेस आए शिवानी जी के और नागेश जी के। ओके, देख सकते हैं आप, इन्होंने बहुत अच्छे पैराग्राफ फ्रेम किए हैं 10 वोकैब यूज़ करके। उम्मीद है इनकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी और आप सभी भी ऐसा करिए ताकि आप सभी की भी इंप्रूव हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में वोकैब 24 और GK 24 डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।